Many times when I post jasmine pictures, I'm oftenly asked कि ये जैस्मिन की कौन सी वैरायटी है, प्लांट है या वाइन है, एरोमैटिक यानी खुशबूदार है या नॉन एरोमैटिक है। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ जैस्मिन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगा और आज से हमारे गार्डन ब्लॉग में एक नया एलिमेंट जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है क्रिएट योर टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स। सो बेसिकली हर हफ्ते मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा और आने वाले हफ्तों में हम उनका रिजल्ट मिलके चेक करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट पास हुआ या फिर फेल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फॉर मोर गार्डनिंग एंड DIY videos, सब्सक्राइब टू क्रिएट योर टेस्ट and hit that bell button. Let's start our jasmine collection video with our very first variety, jo ki hai star jasmine. Now star jasmine ek wine ke form mein hoti hai and it is characterized by a very sweet smell. Now because inki sweet smell hoti hai, they attract pollinators, which is a very big advantage in your garden. Now because ये मेरा plant काफ़ी old है, so इनकी जो बेल हैं वो intertwine, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ चुकी हैं, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ cuttings अपने bounded mesh के दोनों ends पे लगाए थे और अब ये पूरे mesh को पूरे अच्छे से घेर चुके हैं। Now because ये एक vine है, तो अगर आपके पास कोई structure है या फिर आपके पास कोई mesh है जिसको आप पूरी तरीके से cover कराना चाहते हैं, I would highly recommend कि आप स्टार जैस्मिन को ज़रूर चूज़ करें एंड आप इसकी रेगुलर प्रूनिंग के साथ इसको और अच्छे से बुशी बना सकें। कमिंग टू द सेकेंड वेराइटी ऑफ जैस्मिन विच इज़ अ पिन व्हील जैस्मिन। नाउ पिन व्हील इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके जो फ्लावर का शेप होता है वो एक व्हील के फॉर्म में होता है। नाउ इस प्लांट को आप काफ़ी सारे तरीकों से ग्रो करा सकते हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ हमने इसे पूरा ग्रो करने दिया है, सो ये एक ट्री बन चुका है अब। बट इसके और भी तरीके होते हैं ग्रो कराने के, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ये इसका एक बेबी प्लांट है। Now jasmine के around 200 species होते हैं and this is one of the most common jasmine that you would come across. And just like the parjata, another form of jasmine, इसके भी flowers आपको ज़मीन पे ऐसे पड़े हुए हमेशा मिलेंगे। Coming to the third variety of jasmine, which is called as double chandni. Now because इनके flowers जो होते हैं वो layers में होते हैं, that's why it's also called as crepe jasmine. इस jasmine के जो leaves होते हैं काफ़ी shiny और glossy होते हैं and summer के times में they require regular watering, otherwise इनके जो leaves होते हैं वो burn करना start हो जाते हैं, इनफैक्ट इनके buds भी burn हो जाते हैं। Now इनकी जो flowering होती है वो clusters में होती है, तीन या चार के, और ये एक नॉन एरोमेटिक जैस्मिन है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। ये मेरा दूसरा प्लांट है डबल चांदनी का, हमारे घर दो इसके प्लांट्स हैं। इट्स टाइम फॉर आवर न्यू सेगमेंट क्रिएट योर टेस्ट एक्सपेरिमेंट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट दिस लुक्स जस्ट फाइन, अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करें। Well, here lies the problem. This is the present situation of this plant and this is badly infested by mealybugs or white fungus. ये काफ़ी ही common situation है हमारे hibiscus plants में and eventually इसके वजह से जो हमारी leaves हैं वो yellow turn हो जाती हैं and they wither off. तो काफ़ी research के बाद मैंने online एक solution पाया इस problem के लिए एंड आज मैं आपके साथ वो सोल्यूशन शेयर करूंगा एंड लेट्स सी इफ दैट वर्क्स और नॉट। सो फॉर दिस मेथड ऑल यू नीड इज अ स्प्रेयर बॉटल एंड टू दिस एड 4 कप्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट एड 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा इनटू इट and lastly just add few drops of vegetable oil.
देन मिक्स देम ऑल एंड स्टार्ट स्प्रेइंग ऑन योर प्लांट. नाउ मेक श्योर कि आप इसे काफ़ी फोर्सफुली ही अपने प्लांट पे डालें और जहाँ जहाँ आपका मीली बग या फिर वाइट फंगस दिखे उसे आप अच्छे तरीके से क्लीन कर दें. कुछ दिनों बाद अगर आपको फिर से इनके ट्रेसेस अपने प्लांट पे दिखें तो आप ये प्रोसेस रिपीट भी कर सकते हैं. नाउ आने वाले वीडियोस में हम शेयर करेंगे कि ये सॉल्यूशन वर्क किया या फिर नहीं. कमिंग बैक टू आवर वीडियो, दिस इज अ फोर्थ वैरायटी ऑफ जैस्मिन व्हिच इज कॉल्ड एज मोगरा. इसे अरेबियन जैस्मिन भी बोलते हैं. नाउ मोगरा भी एक वाइन प्लांट है और इसे भी आप किसी भी सरफेस पे अच्छे तरीके से ट्रेल करा सकते हैं. वी ऑल नो कि मोगरा की एक बहुत ही प्लीजिंग स्मेल होती है. दैट्स व्हाई देयर स्मेल इज एक्सट्रैक्टेड टू मेक एसेंशियल ऑयल्स, टू मेक सोप्स, परफ्यूम्स एंड मेनी अदर थिंग्स. मॉनसून के सीजन में आपको इनमें काफ़ी सारे बर्ड्स दिखेंगे और ये अपनी स्मेल से पूरे एरिया को रिवाइटलाइज एंड फ्रेश बना देते हैं. नाउ दिस इज द सेम पिनव्हील जैस्मिन जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें आप काफ़ी सारे तरीकों से ग्रो करा सकते हैं, तो चलिए कुछ और तरीके भी देखते हैं इन्हें ग्रो कराने के. बिकॉज इनकी लीव्स काफ़ी बुशी होती हैं तो आप इन्हें एक काफ़ी ही अच्छे हेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि इनको मैंने एक यहाँ हेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. चार पांच प्लांट्स को आप मिनिमम डिस्टेंस पे लगाएं ताकि वो जब ग्रो हो जाएं तो आप उनकी कटिंग करके एक हेज का रूप दे पाए. ये एक स्मॉलर प्लांट है और आप इनकी टोपियारी भी बना सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ दो तरीके की टोपियारीज हैं, ये कैस्केडेड वाली है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर जैस्मिन कलेक्शन वीडियो. आई होप यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इफ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड डू कमेंट बिलो कि आपके पास कौन सी वैरायटीज हैं जैस्मिन के. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डू कंसिडर टू सब्सक्राइब. आई मेक डीआईवाई एंड गार्डनिंग वीडियोज एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे. मिलते हैं अगले मंडे विद अ न्यू DIY वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.